हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं सेंसर्स के बारे में। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं कवर करूंगा कि हम सेंसर्स यूज़ क्यों करते हैं। तो सेंसर्स जो है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हमारे व्हीकल के अंदर जो है सेंसर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, पहले वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको जैसे पता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी गवर्नमेंट है, जितने भी इन्वायरमेंट एजेंसीज़ हैं, उन सब ने जो है एक रिपोर्ट निकाली कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो हमारी अर्थ के लिए जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है वो हमारी व्हीकल्स हैं, हमारे जितने भी ऑटोमोटिव या फिर इंजनस हैं। तो हमारी सरकार ने या बाहर की जितनी भी सरकार है सब ने जो है एक पैक्ट बनाया कि और एक नॉर्म सेट कर दिए कि आपकी जो व्हीकल है मार्केट में तभी उतर सकती है जब आप इस टेस्ट को आप पार करेंगे। अब हमारी व्हीकल के अंदर जो है बहुत सारे टेस्ट हैं, मैं उन चीज़ों के अंदर नहीं जाना चाहता, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो समझाऊंगा कि कैसे कौन कौन से टेस्ट कैसे काम करते हैं। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे सेंसर्स की। तो सेंसर्स जो है हमारा क्यों यूज़ किया गया मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए कि हमारी व्हीकल जो हम पहले यूज़ करते थे वो हमारी मैकेनिकल व्हीकल्स होती थी। अब मैकेनिकल व्हीकल से मेरा मतलब ये है कि उसके अंदर सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं वो मैकेनिकली वर्क होती थी। कोई उसके अंदर अगर कोई चेंजेस होते थे या फिर कुछ भी होता था तो हमें उसके अंदर मैकेनिकली करना पड़ता था। अब सब कुछ जो है हमारा सारा जो ऐसा मान लीजिए कि कुछ चेंज करना है, डायमीटर में चेंज करना है, कुछ चेंज करना है, तो जो है हमें उसके अंदर पूरी जो सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, 1970s के बाद या 1980 के बाद जैसे जैसे US और बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में ये चालू हुआ कि मतलब हमें अपनी व्हीकल के लिए जो है इमिशंस कम करने हैं, उस चीज़ के लिए जो है सेंसर्स जो है हमारी व्हीकल के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। तो आप ऐसा मान लीजिए कि हमारी व्हीकल के लिए जो अगर आप मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि अगर सबसे ज़्यादा आपको अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो मेरा मानना यह है कि आपकी कार जितनी मैकेनिकल रहेगी उतना ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि आप मैकेनिकल के अंदर जो है आप हल्की सी भी ट्यूनिंग करेंगे तो आपको जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन हर जगह जो व्हीकल जो परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होती है वो डेली ड्रिवन कार्स नहीं होती है। जो डेली ड्रिवन कार होती हैं उनके अंदर जो है पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए जो है सेंसर हमारे मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए। सेंसर्स को जो है हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो कंट्रोलिंग होती है वो हमारा ECU के पास जाता है। ECU से जो है हम खुद उसको ह्यूमन कंट्रोल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम, जो हमारा इंजन है वो कितना एफिशिएंट काम कर रहा है, कितने उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स हो रहे हैं, कैसा उसका कंबशन हो रहा है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए, इन सब चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए जो है हम सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इंजन के अंदर जो है बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, वो जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा होता है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि हम जितना ज़्यादा पॉल्यूशंस को कम कर सकें। पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो है हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर ऊपर से ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डाल रखा है। तो धीरे धीरे जो आप देखेंगे कि सेंसर्स का जो इस्तेमाल है और जितनी भी पॉल्यूशन कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कार्बन कैनिस्टर टेक्नोलॉजी है, कैटलेटिक कन्वर्टर्स हैं, ये सब पहले इंट्रोड्यूस हो चुके थे, लेकिन अब सेंसर्स जो हैं धीरे धीरे इंडियन मार्केट के अंदर जो है नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। बहुत से सेंसर्स जो हैं हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं लेकिन उनका जो है हमें पता नहीं है, और बहुत से सेंसर्स हैं जो आगे आएंगे। तो जो आने वाली जो सीरीज़ है इसमें जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे सेंसर्स किस तरीके से काम करते हैं और कैसे कैसे जो है इन सेंसर्स को जो है हम पॉल्यूशन कम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कुछ जो होते हैं वो हमारे इंजन मैनेजमेंट के लिए होते हैं, कुछ हमारे सेफ्टी के लिए होते हैं, कुछ हमारी कम्फर्ट के लिए होते हैं। अब सेंसर्स का जो डेवलपमेंट है उनका जो है अलग अलग फील्ड है। जो इंजन के लिए यूज़ होता है वो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है, जैसा हमारा ऑक्सीजन गैस हो गया, मैप सेंसर हो गया, उसके बाद हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हो गया, प्रेशर सेंसर हो गया, नॉक सेंसर हो गया। ये सारे सेंसर्स जो हैं हमारे इंजन को सही करने के लिए होते हैं। उसके बाद हमारा जो सेंसर आता है वो हमारा आता है याव मोमेंट सेंसर हो गया, रोल सेंसर्स हो गए, उसके बाद पिच सेंसर्स हो गए। ये सारे सेंसर्स जो हैं हमारी व्हीकल की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, और इन सब जो हमारी व्हीकल की जो सेफ्टी है उसके लिए ABS हो गया और ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, इन सब चीज़ों को जो है हमने सेफ्टी के अंदर जो है इंक्लूड किया। उसके बाद हमारा कंफर्ट के लिए आता है। कंफर्ट के लिए जो है हमारा आता है ऑटोनॉमस ड्राइविंग हो गई, ऑटोनॉमस ड्राइविंग के बाद हो गया हमारा क्रूज कंट्रोल हो गया, और ये और बाकी सारी बहुत से सेंसर्स हैं, उन सब चीज़ों को जो है मिला के हमने जो है कंफर्ट के अंदर रखा। एयरबैग्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो कंफर्ट के अंदर आ गई। तो सेंसर्स जो है हमारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो है हम सेंसर्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले मैं इस वीडियो को बनाना चाहता था ताकि आगे जितनी भी सेंसर्स की जो वीडियो है मैं समझाऊं तो उनको जो है आप रिलेट कर सके कि हम इनको क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम इंजन मैनेजमेंट सिस्टम से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम कंफर्ट की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है बाकी सारे टॉपिक्स जो है ऑटोमोटिव सेंसर्स के ऊपर हम जो है धीरे धीरे कवर करते रहेंगे।
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम सेंसर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं हमारी व्हीकल के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हर हफ्ते ही जो हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं।